करवा चौथ व्रत कथा। दोस्तों, पूजा के वक्त जरूर पढ़े ये करवा चौथ की व्रत कथा। दोस्तों, करवा चौथ पर व्रतियों को करवा माता की कथा पढ़ना चाहिए। इस कथा को पढ़ने से सुहाग की उम्र लंबी होती है, इसलिए आप भी करवा चौथ व्रत के समय यह कथा जरूर पढ़ें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला और संबंधों को अधिक मजबूत बनाने वाला त्यौहार करवा चौथ इस बार 1 नवंबर को है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और शाम को चांद को अर्घ्य देकर और छलनी से पति का चेहरा देखकर व्रत तोड़ती हैं। और दोस्तों, कुंवारी कन्याएं अपना मनचाहा पति की प्राप्ति के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और तारों को देखती हैं और फिर व्रत खोलती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि करवा चौथ के व्रत में जो कथा पढ़ी जाती है वो कौन सी है। करवा चौथ के व्रत की कथा। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। दोस्तों, करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ की व्रत की कथा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ।